जब हम रात को सोए हुए थे तो सुबह उठकर देखा कि सिर के ऊपर रातों रात जटाएं तैयार हो चुकी थी। ये जो सिर के ऊपर जटाएं हैं, ये बाबा जी ने एक रात में प्रकट की हैं। और जिस जगह के ऊपर धूना लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे मोर रहते हैं, और जब आरती होती है तो मोर अपने आप अपनी सुरीली आवाजों से बोलते हैं। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आते हैं, वो यहाँ बाबा जी को साक्षात महसूस करते हैं, ऐसा के भक्तों का मत है। आइए लिए चलते हैं आपको ऊना के पास लिथकोट में, जहाँ श्री श्री 108 संत बाबा बाल विशालनाथ जी का डेरा है। जय बाबे की, जय बाबे की, जय बाबे की। आज हम श्री 1008 बाबा विशालनाथ जी के दरबार में लिथकोट में हैं, जो वहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, और हम बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बाबा जी, आप हमें इस जीवनी के बारे में बताइए कि आपको ये लगन कब से लगी और कैसे लगी। बाबा जी ये दर्शकों को बताइए। जय बाबा जी की। जय बाबा जी। हमें इस लाइन में आए हुए केवल 6 साल हुए हैं। बाबा जी ने हमें रात को सपने में दर्शन दिए थे और कहा था कि आप मेरे शिव में अवतार हो, मैं आपके जरिए दुनिया का भला करना चाहता हूँ। आज लाखों करोड़ों की तादाद में संगत इस दरबार में आती है और बाबा जी के दरबार में आकर अपने मुरादों को पूरा करती है। दूध वाले को दूध मिलता है, धन वाले को धन मिलता है और पुत्र वाले को पुत्र मिलता है। तो बाबा जी, ये जो लोग आते हैं, ये हिमाचल से ही आते हैं या पंजाब हरियाणा से भी आते हैं? नहीं जी, हिमाचल से भी आते हैं और पंजाब हरियाणा और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, नोएडा। तो बाबा जी, जब ये लोग आते हैं तो यहाँ इनको कुछ भंडारे वगैरह का भी आयोजन किया जाता है, या चाय प्रसाद या कुछ ऐसा भी यहाँ सिस्टम है बाबा जी? हाँ जी, यहाँ दिन रात बाबा जी का लंगर की व्यवस्था है और संत को रहने का, विश्राम करने के लिए भी स्थान दिया जाता है। तो बाबा जी, स्थान के बारे में थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए कि ये स्थान पर आपने कैसे, आपको ज्ञात हुआ कि यहाँ मंदिर बनाना है? इस स्थान में पहले कुछ नहीं था, केवल वृक्ष थे और झाड़ियाँ थी और यहाँ फसल बीजी जाती थी। फिर बाबा जी का हमारे को आदेश हुआ कि आपने यहाँ पर धूना लगाना है और लोगों के दुख दूर होने हैं, और बाबा जी ने यहाँ पर धूना लगाया और बाबा जी की अखंड ज्योत प्रचंड हुई। तो ये बाबा जी, आप हर रोज मंदिर में बैठते हैं कि संडे के संडे बैठते हैं? रहते रोज ही मंदिर में है, लेकिन संग से संडे को ही मिलते हैं। तो ऐसा हमने सुना है कि सबकी आस मुराद यहाँ आपके दरबार पर बाबा जी के आकर पूरी हो जाती है? जी हाँ जी, जो भी सच्चे मन से जैसे भाव से आता है, बाबा जी सभी भक्त जनों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और जब बाबा जी की दया होती है तो बाबा जी पवन स्वरूप में आकर संतों को दर्शन देख निहाल करते हैं। तो बाबा जी, ये दर्शन हर संडे बाबा जी आते हैं यहाँ, ऐसा पक्का मैंने सुना है? जी हाँ जी, संडे को तो आती हैं, लेकिन हर वक्त संग रहते हैं। ये नहीं कि संगत आए तभी ही आते हैं, जब उनकी दया होती है तो तभी भी उनका आवास होता रहता है। आप हमें ये बताइए कि 6 साल से पहले जो आपकी अवस्था थी, वो थोड़ा हमें आप ज्ञान दीजिए। जी हाँ जी, बचपन से ही बाबा जी के चरणों में हमारी लगन थी, और हम जब स्कूल में जाया करते थे तो अपने साथ बाबा जी का चिमटा भी साथ लेकर जाते थे, और जब बाबा जी की दया होती थी तो बाबा जी स्कूल में भी प्रवेश हो जाते थे। हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर मैदान में 10+2 की, और उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऊना
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की सीईओ हैं। जी बाबा जी। हाँ जी, तो वहाँ पर भी जैसे हम पढ़ते थे तो बाबा जी का हमें आवास होता था और बाबा जी वहाँ पर भी प्रवेश हो जाते थे। जी बाबा जी। तो जो हमारा परिवार था वो शुरू से ही बाबा जी को मानता था और बाबा जी परिवार के इष्ट देवता थे। जी बाबा जी। तो बचपन से ही बाबा जी ने हमें अपने चरणों की लगन लगाई हुई थी, हम साथ में पढ़ते भी थे और बाबा जी के चरणों की सेवा भी करते थे। जी बाबा जी। जी, तो बाबा जी आप संगत को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस रास्ते पर चलें और कैसे अपना जीवन व्यतीत करें? जी हाँ जी, हम संगत को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो धर्म के रास्ते के ऊपर चले और प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखे, क्योंकि एक भगवान का नाम ही है जो सभी के जीवन को सुखमय बनाता है। बिना भगवान के नाम के जिंदगी कुछ भी नहीं है, अगर भगवान का नाम है तो ही हमारी जिंदगी सुखमय है। जी बाबा जी। बाबा जी मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जो सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी का धूना है, ये जो तपता रहता है, इसके बारे में थोड़ा संगत को ज्ञान डालिए। जी हाँ जी, बाबा जी का जो ये दूना है बड़ा पाक और पवित्र दूना है। इस दूने के ऊपर बाबा जी का सदा वास रहता है, क्योंकि बाबा जी को ये दूना बड़ा प्रिय है। इस दूने की जो विभूति है ये सभी भक्तों के कष्टों को दूर करती है और भगत जो भी कच्ची लस्सी का छिट्टा बबूता डालकर देते हैं, घर में सुख शांति आती है और सभी के जीवन को सुख समृद्धि प्रदान होती है। और ये जो दूना है बाबा जी को बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा जी ने सारी मोह माया छोड़ के दुनियादारी को त्याग के दूना दबाया था और भोलेनाथ जी का नाम दिया था। जी बाबा। तो ये दूना कोई आम दूना नहीं है, इस दूने की महिमा पूरा संसार को पता है कि जो भी इस दूने के ऊपर आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। बाबा जी का ये दूना सभी की मनोकामना को पूर्ण करता है और इस दूने के ऊपर भोलेनाथ जी भी स्वयं विराजमान रहते हैं। बाबा जी मैं ये चाहूँगा कि आप जाते जाते सभी संतों पर अपनी अपार कृपा की वर्षा करते। जय बाबा जी की, जय बाबा जी की, जय बाबा जी। सारी संगत को जो ये सत्संग देख रही है सभी को आशीर्वाद है। जय बाबा जी की, जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। सभी बाबा जी का सिमरण करें और बाबा जी के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाए रखें। बाबा जी की सभी के जीवन को सुख समृद्धि प्रदान करें।